मेरा नाम उम्मे हम्माद है और मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ कैस्पियन कॉलेज में। अल्हम्दुलिल्लाह 34 ईयर्स हो गए मुझे शोबा तालीम से जुड़े हुए। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह पाक मुझे जो है ना सीधा रास्ता दिखा दें। मैं दीन पर तो थी लेकिन जो एक मुतमईन नहीं थी, दिल जो है ना डाइवर्ट हो जाता था इधर उधर। मतलब आज के दौर में जहाँ YouTube पे इल्म बिखरा हुआ है, मतलब सही क्या है गलत क्या है, अगर किसी को सीखना है पढ़ना है मॉडर्नाइज अंदाज में जितना डेवलप किया है वो कोई आसान काम नहीं है। तो जब मैं यहाँ पर आई थी मैं उस वक्त इद्दत से उठी थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने जो दीन पढ़ा था वो एक सख्ती से पढ़ा था तो इसलिए मेरा दिल नहीं लगता था, लेकिन जब मैंने सफ़ा ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि दीन जो है बहुत प्यारा है, इसलिए मुझे सफ़ा इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आया। और चीज़ों से शेख आतिफ अहमद साहब आपको सिर्फ दीन नहीं सिखा रहा है, उनसे मैंने उल्मा की इज्जत करना, अपने असातिज़ा की इज्जत करना, ये सब कुछ सीखा है। तो ये अल्लाह का एहसान और करम है कि उसने मुझे सफ़ा कोर्स से जोड़ा। सबसे बड़ी बात ये कि जितना अरसा भी मुझे हुआ, 1 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसमें कोई फ़िरका परस्ती नहीं देखी, कोई फ़िरका बंदी नहीं देखी। बिल्कुल मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस हवाले से, क्योंकि सफ़ा में जो तालीम दी जाती है उसकी बुनियादी बेस ये है कि आजकल के फ़िरकों के हवाले से ये बातें नहीं हैं, इसमें कोई भी फ़िरका हो वो ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे टीचर्स का रवैया एक तो बहुत बेहतरीन है, आपको कभी भी फील नहीं होता कि आप फिजिकल क्लास में मौजूद नहीं हो। देखिए मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप यानी अलसफ़ा कोर्स ज्वाइन करें। मैं तो अपनी खुशनसीबी समझती हूँ और मैं तमाम लोगों को रिकमेंड करूँगी कि अगर रब को पहचानना है, रब को जानना है, दीन को समझना है, तो आइए अलसफ़ा की तरफ।